एक्ट्रेस अमृता पुरी जब इंडस्ट्री में आई थी तो शी वॉज बींग लुक्ड अपॉन एज अ प्रॉमिसिंग एक्टर, लेकिन उसके बाद उन्होंने जितनी फिल्में की उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखाया. एंड दिस टाइम शी इज ऑलरेडी टू हिट इट हार्ड विद हर नेक्स्ट फिल्म काय पोछे. लेट्स सी क्या है अमृता की एक्सपेक्टेशंस. रूठे खाबों को मना लेंगे, रोटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हा मांझा. अमृता की बात माने तो ये फिल्म उनके लिए काफी मायने रखती है. जाहिर सी बात है इस बार अमृता का नाम जुड़ा है एक बड़े बैनर से और वो इसमें अकेली फीमेल लीड भी है. काय पोछे मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखती है बिकॉज जो जैसे यू टी वी फिल्म है, गट्टू डायरेक्टर है, बहुत बड़े नाम है ये फिल्म, यू नो इट हैज़ बिग नेम्स अटैच्ड टू इट. और उसके अलावा गट्टू ने, मेरी बिलीव है, मेरा मानना है कि गट्टू ने ये फिल्म बहुत ही खूबसूरती से बनाई हुई है. वैसे इस फिल्म का नाम बहुत यूनिक है, लेकिन ये नाम इस फिल्म के टाइटल के लिए इनिशियल चॉइस नहीं था. पहले नाम कुछ और फाइनल किया गया था और ग्रेजुअली स्लोली द टीम जीरोड ऑन दिस नेम. एक्चुअली उस वक्त मूवी का नाम अहमदाबाद था. फिल्मिंग के दौरान उन्होंने नाम बदल दिया तो उस वक्त गट्टू ने मुझे समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है. इस फिल्म में अमृता प्ले कर रही है एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर जो काफी लाइवली है, मच लाइक व्हाट शी इज इन हर रियल लाइफ. ये लड़की बहुत ही चंट है, जैसे चटोरी बिल्ली होती है ना वो वैसे है. उसे मालूम है कि किसको कैसे पटाना है और वो पटा भी लेती है. आकाश मैं भी मुझे भी ये स्किल है, ये जानना एक स्किल है, तो काश मुझे भी अमृता को ये आता रियल लाइफ में. और मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्या एक इमली के तरह है, थोड़ी खट्टी और थोड़ी सी मीठी. वैसे अगर आपको याद नहीं है तो दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन चेतन भगत नॉवल द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ. अब इसका बड़े स्क्रीन पर अडैप्टेशन कैसे हुआ ये तो आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा.